संडे वर्शिप की बात अभी एक साथ यहाँ पर गेदर करके खाना खा रही है। चावला दिखाओ, मत छुपाओ तेरे हेयर स्टाइल। हेलो एवरीवन, खुलमकर नमस्ते, वेलकम बैक। आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है, बीके त्रिप्रसाद। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना एंड वीडियो को जरूर एंड तक देखना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग है एक मेरा सब्सक्राइबर में है, एडलिन देवर्मा बोल के। सो बेस गिटार के बारे में कुछ बोलने के लिए बोला था आपने, सो ये आपके लिए है दोस्त। देखिए, बेस गिटार में जो फोर स्ट्रिंग होता है ना, 1 2 3 4, ये एकॉस्टिक सिक्स स्ट्रिंग गिटार, एकॉस्टिक गिटार या फिर इलेक्ट्रिक गिटार सिक्स स्ट्रिंग गिटार वाला में ऊपर का जो चार स्ट्रिंग होते हैं वही है। से लाइक सपोज ये एकॉस्टिक है, सो ये 1 2 3 से काउंट होता है बेस। बेस गिटार में ये 3 4 5 6 ये ही बेस है, लेकिन बेस का स्ट्रिंग बहुत मोटा होता है, लो फ्रिक्वेंसी वाला, बस वही है, वरना ट्यून सब सेम ही है। एंड इट्स लाइक ई बी जी जी डी ए ई, तो जी से आपका तो जी से जो स्ट्रिंग होता है जी डी ए ई, सो यही है बेस गिटार। खाली फर्क यही है कि लाइक बेस का जो स्ट्रिंग होना है बहुत मोटा होता है, लो फ्रिक्वेंसी वाला, सो वही है, बाकी सब सेम है। लाइक जहाँ पर आप सिक्स स्ट्रिंग गिटार में या फिर एकॉस्टिक गिटार में आपके गिटार में जो जी कॉर्ड पकड़ते हैं ना, सपोज ये जी है तो ये बेस का जी का बेस होता है, नीचे वाला सी फिर डी, बस यही। एंड यहाँ पर आपको कॉर्ड नहीं, जैसे कि सोलो बजाता है वैसे ही बेस आपको बजाना है, लेकिन स्पीड पकड़ना नहीं है, स्लो बेस हमेशा स्लो से बजने से सुनने में ठीक होता है। सो यही है बेस का, मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं समझा पाया, लेकिन जितना हो सका समझाया। और अगर टाइम मिलेगा आगे फ्यूचर में बेस का भी ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊंगा। सो आज का आइटम है अचार, ये दीजिए खाकलो चकई, ड्राई इंटेस्टाइन पोर्क का, और ये पपाया है, और ये स्मोक पोर्क ना, स्मोक पोर्क विथ अखुनी। यहाँ पर दबा रहा है बहुत हेवी तरीके से,
कैसा लगा आज का खाना? बहुत बढ़िया। एंड ये अमुक दाल नागा लहसुन चटनी है हरदम मिर्च के साथ। और आपको कैसा लगा आज का खाना? बढ़िया है। संडे वर्शिप की बात अभी एक साथ यहाँ पर गेदर करके खाना खा रही है नागादेश के साथ। बहुत बढ़िया बनाया सामान खाने होना है। और ये मैडम जी उसका मम्मी नागा है इसलिए मेरा मदर इन्होंने बनाया आज का जो डिश आप लोगों को दिखाया सब। ये देखो डिलीशियस अकुनी के साथ। ओके तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। सेम हेयर स्टाइल ये तीनों का। क्या बोला दिखाओ मत छुपाओ तेरा हेयर स्टाइल। बोरू पास ले यार। दोस्त लोग आज के लिए इतना ही हो गया। एंड ब्लॉग खत्म करने से पहले एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंटल सुनाऊंगा आप लोगों को। यू नो लाइक आजकल स्कूल खोल दिया सो बहुत बिजी रहती हूँ, ब्लॉग करने का समय ही नहीं मिलते तो समय निकल कर ब्लॉग करना पड़ते हैं। एंड यू नो लाइक पर उसी में घर बनाने का काम चल रहा है सो बाहर बहुत शोर थी इसलिए बंद कर दिया। सो पहले जो दो दिन की बार व्लॉग डालते थे वो रूटीन आप फॉलो नहीं कर सकते हैं लेकिन जितना सकेगा उतना ही करूंगा आप लोग के लिए। सो इस गाने का नाम है आई नो ए मैन हु कैन, आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। सो इतना परफेक्ट तो नहीं हुआ, मैंने बस थोड़ी देर पहले बसाया और थोड़ा सा सीखा। सो आज के लिए नए दोस्त लोग अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। कोशिश करूंगा अगले ब्लॉग पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर दिखाने के लिए आप लोगों को और समय समय पर ब्लॉग अपलोड करने के लिए कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।